सत श्री अकाल सारिआं नूं एंड वेलकम बैक टू नूरवी क्रिएशन। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं दिस लुक, और ये है समर एप्रोप्रिएट डे मेकअप, और इस पे सनस्क्रीन लगा के आपने ज़रूर जाना है। सो दिस इज़ द लुक, मैट लुक विथ अ पार्टी वेयर ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड पीची आउटफिट। पहले हम करेंगे स्किन केयर, उसके बाद हम अपना फुल जो फेस मेकअप है वो करेंगे। दिस इज़ एप्रोप्रिएट फॉर समर्स, और बाकी लुक तो आपको दिख ही रहा है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप इज टू प्रेप योर स्किन, एंड फॉर दैट फर्स्ट वी विल यूज़ अ वेरी गुड टोनर दैट इज़ जस्ट सूटेड फॉर योर स्किन। मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ नॉर्मली फॉर माय स्किन, बिकॉज माय स्किन इज़ बिट ऑयली। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, और हम इसके अब सूखने की वेट करेंगे। किसी भी पार्टी पे जाने के लिए हमें अगर मेकअप करना है तो हमें अपने स्किन को स्किन केयर के लिए बहुत अच्छे तरह से टाइम देना है। एक के बाद एक चीज़ें हमें नहीं करनी है। जब तक मेरा टोनर सूख रहा है आई विल अप्लाई लिप बाम। फॉर अ पार्टी लुक आई एम यूजिंग हाइड्रेशन एंड ग्लो सीरम। इससे जो आपका जो बेस है एक तो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा, प्लस थोड़ी सी हाइड्रेशन भी आपके जो फेस है उसमें आ जाएगी, एंड थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई सा लुक है जो वो देगा। कभी भी जब आप मेकअप कर रहे हैं तो अपने फेस के साथ अपनी नेक को नहीं भूलना। दोनों जगह पे जो जो स्किन आपकी दिख रही है वहाँ पे भी पूरा उतना ही मेकअप करना है। और मॉइस्चराइजेशन और स्किन केयर तो इम्पॉर्टेंट है ही। इफ़ यू वॉन्ट अ रियली गुड बेस तो इस क्रीम को मॉइस्चराइजर को लगा के आप थोड़ी देर छोड़ दें, और उसके बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन। आज प्राइमर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बहुत दिनों से मैंने मंगवा के रखा हुआ है और मैंने यूज़ नहीं किया है, सो आज हम ये यूज़ करेंगे। ये बहुत अच्छी है ऑयली फेस के लिए, मैंने जो सुना है। आई एम अप्लाइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। और ये सिलिकॉन बेस है बेसिकली, ये जो अपने ओपन पोर्स हैं इनको ये क्लोज कर देती है टेम्परेरीली। तो उससे क्या होगा, आपके जो पोर्स हैं वो थोड़े से श्रिंक दिखेंगे, प्लस जो आपका मेकअप है वो थोड़ा सा बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन और स्मूथ दिखेगा। जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स होते हैं ना वो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करने चाहिए, बट पार्टी वगैरह के लिए आप इसको ही यूज़ करना इफ़ यू हैव ओपन पोर्स। नेक्स्ट स्टेप इज आई एम अप्लाइंग मेबलिन की माई फेवरेट फाउंडेशन ऑन माई फेस, सो दिस इज द अमाउंट आई एम टेकिंग। मेरे जो फेस है उसके ऊपर ब्लमिशेज आपको नहीं दिखेंगे और कुछ ऐसे पैचेस नहीं हैं जो मैं कवर करूँ, इसलिए मैं इनको कवर नहीं करती हूँ, सो आई विल स्किप दैट पार्ट। आप अच्छी तरह से इसको अच्छे तरह से फैला लें। इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्रश फॉर दिस पर्पस, और इसको हम अच्छी तरह से डैब डैब करके। माय स्पंज इज रेडी, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके गीला करके और अच्छी तरह से निचोड़ लिया है सो दैट ये अच्छे से परफॉर्म करे। इसको नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसमें अगर बैक्टीरिया आ गया तो इट कैन स्पॉयल योर फेस एज वेल। आफ्टर एवरी यूज आप जो ये स्पॉन्जेस हैं इनका सुखा के ही अंदर रखें। लिप्स पे ऐसे लगाने से इसकी आउटलाइन पे अगर हम ऐसे लगाएंगे तो हम अपने जो शेप है एंड में बहुत अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि इससे जो शेप है इसकी चली जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा सा जो कंसीलर है वो अपने आईज़ के नीचे लगा लेंगे। मैं ज़्यादा नहीं लगाती, यहाँ पे मेरे अ बिट ऑफ पिगमेंटेशन है तो मैं सिर्फ इस एरिया के ऊपर इसको लगाऊंगी। डैब डैब करेंगे, ड्रैग नहीं करना, सिर्फ ऐसे ऐसे डैब डैब करना है। इसके साथ जो प्रोडक्ट है वो अपनी जगह पे रहेगा और इधर उधर नहीं जाएगा। जो बाकी का प्रोडक्ट रह गया वो मैंने आईज़ के ऊपर लगा दिया। आपके पास जो भी फ्लफी ब्रश है उसको उठाओ, और अपना ये है मेबलिन का फिट मी, माय फेवरेट। अगर मैं कुछ भी ना लगाऊँ ना तो मैं फेस के ऊपर इसको लगा लेती हूँ। अब जी हम शुरू करेंगे अपनी आईज। दिस इज़ द मेन पार्ट यू नो, और आईज को अच्छा सा दिखना इज़ वेरी
ज़रूरी। और डे मेकअप में अपनी आईज़ जो हैं आप लाइट रखें। अगर आपकी आईज़ छोटी हैं तो अगर आप लाइट मेकअप करेंगे, लाइट कलर्स यूज़ करेंगे, न्यूड्स यूज़ करेंगे, पिंक लाइट्स मतलब यूज़ करेंगे, तो आपकी जो आईज़ हैं वो अच्छी लगेंगी मेकअप में। अगर आपकी आईज़ बड़ी हैं तो आप डार्क कलर्स यूज़ करेंगे तो आपकी आईज़ अच्छी लगेंगी। अगर आपकी आईज़ छोटी हैं और अगर आप डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी आईज़ अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो वैसे हम डे और नाइट मेकअप में हम बोलते हैं कि अगर डे मेकअप है तो हम लाइट कलर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरी ड्रेस है, दिस इज़ वेरी लाइट पीची शेड है इसका, और जो इसका दुपट्टा है वो भी पीची है विद गोल्ड एंड सिल्वर बोथ उसके जो लेंस लगे हुए हैं। तो आई कैन यूज़ बोथ द शेड्स और बहुत अच्छे से यूज़ करूँगी। बाकी जो मेरी ज्वेलरी है वो गोल्डन में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आई विल डू माई आई मेकअप एंड आई विल चूज़ माई कलर्स। ये एक तो आई विल पिक दिस पिंकी शेड, इससे जो एक ब्राइट शेड है वो मैं अपने जो कॉर्नर्स हैं उस पर लगाऊंगी। इवन आई कैन यूज़ ब्राउन्स क्योंकि डे मेकअप के लिए ब्राउन्स आर ऑल्सो गुड। और अंदर इस साइड पे जो है वो मैं यूज़ करना चाहती हूँ थोड़ा सा स्पार्कली कलर टू गिव अ गुड डेफिनेशन टू माई आईज़ और थोड़ा सा पार्टी वेयर दिखाने के लिए। तो हम ये पिंक वाला शेड यूज़ करेंगे, ये हम पूरी अपनी आईलिड के ऊपर यूज़ करेंगे। पूरी मैंने अपनी सारी की सारी जो लिड है उसको अच्छे से कवर कर लिया इस कलर के साथ, क्योंकि ये लाइट है तो ये हार्श लाइंस नहीं छोड़ेगा, तो मैं इसको बिल्कुल ऊपर तक कवर कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो आईज़ है वो हुडेड है। तो हुडेड आईज़ के लिए अगर आप ये वाला एरिया कवर नहीं करेंगे तो आपका जो शेडो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। हमेशा लाइट और डार्क कलर के लिए अलग अलग ब्रश रखें। अभी मैंने रिसेंटली वॉश करे हैं तो आई कैन ईजिली पिक अ शेड जो डार्क है, और मैं सिर्फ आउटर वी के ऊपर उसको प्लेस कर रही हूँ, यहाँ पे रखेंगे और अंदर लेके जाएंगे। हमेशा अपनी दोनों आईज को साइमल्टेनियसली करना चाहिए। फॉर द इनर वी, ये जो साइड है इनर साइड के ऊपर, यहाँ पे हम थोड़ा सा शाइनी जो कलर है वो लगाएंगे। फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस कलर, ठीक है। जो ग्लिटर मेकअप होते हैं ना उसको आप अगर हाथ से उठा के लगाएंगे तो वो बेटर प्लेस होते हैं, अदरवाइज किसी भी फ्लैश ब्रश के साथ आप उसको पिक कर सकते हैं। ये हम आउटर तक नहीं लेके जाएंगे, हम सिर्फ इनर तक इसको प्लेस करेंगे। दोनों के अंदर हार्श लाइंस ना दिखें यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा ये कलर जो है थोड़ा सा शाइन में है इसको उठा के बीच में लगाऊंगी, जस्ट कि हार्श लाइंस ना दिखें। एंड दिस इज लुकिंग रियली प्रिटी। आई डोंट नो कैमरे पे कैसा लग रहा है लेकिन रियल इट इज लुकिंग, दिस कॉम्बिनेशन इज लुकिंग फैब। झटपट से हम अपनी आईब्रोज भी बना लेंगे। क्योंकि सब जो कलर्स हैं वो पीच में हैं तो ये आप पहले सोच के रखें कि लिपस्टिक कौन सी लगानी है। मैंने सोचा है कि मैं मैजेंटा कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी ताकि जो कलर कोड है वो टूट सके। और थोड़ा सा अब आईज़ के नीचे आई विल प्ले विद कलर्स, और मैं मैजेंटा कलर का जो है सेम आई शेडो पिक कर रही हूँ। ये जो कलर है मैंने हाथ से अप्लाई किया था तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया हुआ है, और जब मैं इसको नीचे ये कलर लगा रही हूँ मैजेंटा तो उसके साथ मर्ज हो रहा है बहुत अच्छे से, सो इट इज़ लुकिंग गिविंग अ बेटर इफेक्ट। हम बहुत सिंपल सा लाइनर लगाएंगे। से लगाएंगे मस्कारा और जो अपना आई लुक है उसको कंप्लीट करेंगे विद लैशेस। डोंट फॉरगेट योर नीचे वाली लैशेस। ये मैंने काफी सुना है इसके बारे में, वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर, तो आज मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ अपने फेस के लिए। इस ऊपर हाफ में लगाएंगे, अपर हाफ में।
आई मीन अगर आप मेरे जैसे हेल्दी हैं और आपकी ये जो डबल चिन है इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगाएंगे, मेक श्योर कि यहाँ पे हार्श लाइंस ना बने। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाता है आपके फेस के ऊपर। आजकल यहां पे लगाने का फैशन है, यहां लगता है, बट आई डोंट माइंड अप्लाइंग इट ऑन द चीक्स, इट विल गिव अ, और वैसे भी इसका बहुत कम सा कलर आता है तो थोड़ा सा अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा सा रेडिश चीक्स अच्छी लगती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्लिम इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट स्टेप इज माय पर्सनल फेवरेट और वो है हाइलाइटर, बट आई कीप इट लाइक ऑन दिस एरिया ओनली बिकॉज गर्मियों में ये बहुत अच्छा नहीं लगता और जो ओपन पोर्स हैं वो दिखने लगते हैं, मैट में जो मेकअप है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, सो दिस इज द रीज़न। पे थोड़ा सा नोज पर यहाँ पे, दैट्स इट, जितना प्रोडक्ट थोड़ा सा लगाया था प्रोडक्ट और यहाँ पे लगाने के बाद बाकी तो सारा उसी को यूज़ कर लिया, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया। मेकअप तो कंप्लीट है ऑलमोस्ट, लास्ट में हम लगाएंगे आईलैशेस, तो मैं लगा के आई। लास्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है इन द मेकअप एंड दैट इज लिपस्टिक, ये भी रिकॉर्ड की है एंड दिस कलर आई जस्ट लव। एंड मैचिंग मैंने जो नेल पेंट है वो लगा लिया है, ईयर रिंग्स डालनी है। नाउ द लास्ट थिंग इज एक्सेसराइज योर सेल्फ, पिक अप योर दुपट्टा एंड यू आर रेडी टू गो। इसीलिए अ पिंच ऑफ ब्रेक जो मैंने कलर को दिया है दैट इज़ फ्रॉम द लिपस्टिक एंड फ्रॉम जो ये जो कलर हमने मिजेंटा कलर का लगाया था, सो यू कैन ब्रेक द कलर लाइक दिस, प्लस द नेल पेंट इज ऑफ डिफरेंट कलर एंड दे आर ऑफ सेम कलर। I just add this ruffle band on my ponytail, high ponytail. आजकल बहुत गर्मी है तो आप बहुत ओपन हेयर्स में नहीं जा सकते कहीं भी, एंड द लुक इज कम्प्लीट। दिस इज द दुपट्टा ऑफ द सूट, बहुत ही सुंदर दुपट्टा है इसका, आई लव दिस सूट, द कलर एंड द दुपट्टा, एंड दिस हैव परचेज्ड फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अगर आप चाहते हैं तो मैं सभी के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। लिटरली रेडी टू गो नो वेयर, मैं सच्ची मुची पार्टी पे नहीं जा रही हूँ, सो दिस इज द लुक। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना एंड हिट द लाइक बटन और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड या दिस इज द लुक फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।